नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नवंबर महीना अब बस खत्म होने की कगार पर है, जिसके बाद एक नए महीने यानी कि दिसंबर की शुरुआत हो जाएगी। और जैसा कि होता आया है, उसके अनुसार नए महीने के साथ नए नियम भी लागू हो जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार साल के आखिरी महीने में बैंकिंग और ईपीएफओ सहित कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको दिसंबर महीने में होने वाले 5 बदलाव के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहला नियम आधार और पीएफ लिंक से जुड़ा है। बीते कई दिनों से सभी लोगों को आगाह कर दिया गया था कि 30 नवंबर तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। ऐसे में जिन लोगों ने ये काम कर लिया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने ये काम नहीं किया है तो 1 दिसंबर से आपके खाते में कंपनी की तरफ से आने वाले कंट्रीब्यूशन को रोक दिया जा सकता है। इसके अलावा आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए जाने पर आपको ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने में भी परेशानी हो सकती है। अगला नियम है एसबीआई कार्ड धारकों के लिए। अगर आप भी एसबीआई के क्रेडिट कार्ड धारक हैं और आप अक्सर अपनी शॉपिंग इस क्रेडिट कार्ड की मदद से ही करते हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अगले महीने से एसबीआई कार्ड धारकों को खरीदारी करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। हर खरीदारी पर 99 रुपए अलग से टैक्स देना पड़ सकता है, जो कि प्रोसेसिंग चार्ज होने वाला है। एसबीआई के अनुसार 1 दिसंबर 2021 से सभी मर्चेंट ईएमआई के लेन देन पर बतौर प्रोसेसिंग चार्ज 99 रुपए और टैक्स देना होगा। अगला नियम भी बैंक से ही जुड़ा है, जिसके तहत पंजाब नेशनल बैंक की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। देश के दूसरे सबसे बड़े पंजाब नेशनल बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को झटका देने की तैयारी कर ली है। बैंक की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया गया है। इसको लेकर बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों को सालाना 2.90 से घटाकर 2.80% करने का फैसला किया है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि यह नई दरें 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। अगली राहत आपको गैस सिलेंडर के दाम में मिल सकती है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को आमतौर पर एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती है, और बीते कुछ समय से हर महीने दाम में बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। मगर इस बार उम्मीद कुछ और ही है, क्योंकि जानकारों की माने तो अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में उम्मीद है कि 1 दिसंबर की समीक्षा में एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं। माचिस की कीमत हो जाएगी दोगुनी। 14 साल के बाद माचिस की कीमत दोगुनी होने जा रही है, जिसके बाद 1 दिसंबर 2021 से आपको माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च करने होंगे। इससे पहले साल 2007 में माचिस के दाम 50 पैसे बढ़ाकर 1 रुपए किया गया था। जानकारों की माने तो 14 साल के बाद माचिस के दाम में बढ़ोतरी का फैसला कीमतों में बढ़ोतरी की वजह माचिस को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के दाम का बढ़ना है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।